इन तमाम से दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सलवातों का अलैह वाला वलीफी हज़ी साथ वफ़ी कुल साथ मैं साथ ले ले वन्हार वली मुहाफ़िज़ों में कायना सब तरीले वाहिन न हतावत उसके नमर से कतावन वतमते हो फिया तरीले अब सलेला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजल फर्ज कहने आले मोहम्मद अल्लाह की अमानत है यह हैदर की विलायत अल्लाह की अमानत है ये हैदर की विलायत और अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं होती। अगु लिखता है कि तुम करार के दुश्मन से रखना न ताल्लुक इस जुर्म में मुजरिम की जमानत नहीं होती। सलीब इश्क पे चढ़ने के रंग अच्छे हैं, सलीब इश्क पे चढ़ने के रंग अच्छे हैं, कलंदरों की मवद्दत के ढंग अच्छे हैं, और दिलों में बोगज़ विलायत का रखने वालों से हजार दर्जा अली के मलंग अच्छे हैं। दिलों में बोगज़ विलायत का रखने वालों से हजार दर्जा अली के मलंग। मैं कसीदे दी जमीन खड़ा बड़ा अली के मलंग अच्छे हैं। एक गल होर करा कि मैं तवल्ला से इबादत का भरम रखता हूं, मैं तवल्ला से इबादत का भरम रखता हूं, दर्द दिल सोज जिगर दीदा नम रखता हूं, दिल की कुव्वत के लिए जिक्र खुदा से पहले या अली कह के मुसल्ले पे कदम रखता हूं। या अली कह के मुसल्ले पे कदम रखता हूँ और शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कम ज़र्फ़ तो करते हैं हलाली नहीं करते, शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कम ज़र्फ़ तो करते हैं हलाली नहीं करते, और हम लोग अली मौला के हैं मानने वाले, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। मेहरबानी सर, मेहरबानी जनाब, हम लोग अली मौला के हैं मानने वाले, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। अच्छा तो हम दांत भी क्रॉस कर गए जी। अच्छा इंशाल्लाह तसली नाल ही पड़सूँ, टाइम काफ़ी हो गया, मेहमान जाकर उन्होंने वक्त बचाव जी जी इंशाल्लाह पूरा पड़सूँ पूरा पड़सूँ। जशन बाग की तुम सारा को ढेर ढेर मुबारक हो गए, खैर मुबारक, खैर मुबारक, और मालिक तुहारी नगरी को महफूज रखे, बड़ा दिल खुश हों था आके। बाकी बाहर तो काफ़ी सारे हालात तब्दील थी गए कि ना जाते बाहर पढ़ने वाले पूछते वे होंगे
भाई देखा ही था क्या पढ़ना है, पैसा को दसो देखा ही ना को अली दाना चंगा लगता या नहीं लगता। तो मैं तुम्हें एक गल करे सा कि पढ़ना होगा अकीदा तो फिर खोल के बात हो, पढ़ना होगा अकीदा तो फिर खोल के बात हो। हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? माइक आगे। मस्जिद नबवी पैगंबर इस्लाम की झोली जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी सामने है। ते पैगंबर फरमाया जाबिर मुबारक हो भी ते पांच इमामों का जमाना देखना। बस इस वाकई ते मैं कसीदा पढ़ना। ते पांच इमामों का जमाना देखना, अली अलैहि सलाम का जमाना, जनाब हसन अलैहि सलाम का जमाना, उन्होंने बाद मौला इमाम हुसैन अलैहि सलाम का जमाना, उस दे बाद फरमाया जनाब सज्जाद अलैहि सलाम का जमाना, ते उस दे बाद फरमाया इन्हें कि तें जनाब बाकिर का दौर भी देखना। ठीक है जनाब, मेरे ख्याल मैं इतों कसीदा शुरू करा कि वाकई एक सखी का पढ़ना, वली ते इब्ने वली दा पढ़दा, ईमान ताज़ा करण दे कीते कसीदा मुर्शिद अली दा पढ़दा। पहले खुशी तू जहरा दा बाबा, 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 पहले जहरा दा बाबा, पहले खुशी तो जहरा दा बाबा, पहले खुशी तो जहरा दा बाबा, पहले खुशी तो अच्छा दा बाबा। हे मुस्कराया सरकार बाकिर दा वल नाम जाया। सलामत रावे भाई, सलामत रावे, सलामत रावे। सरकार मुहम्मद मुस्तफा जनाब जाबिर दे नाल कुछ गल्लां कीतियां ते फरमाइंदे पैन तेरी खुश नसीबी दी क्या मिसाले, तह देखना है मेरा पंजवा लाल। सलामत रावे। इवें नहीं आखिर तो यक जबां होके नारे है दरी। फरमाइंदे पैन तेरी खुश नसीबी दी क्या मिसाले, तैं देखना है मेरा पंजवा लाले, तेरी खुश नसीबी दी क्या मिसाले, तैं देखना है मेरा पंजवा लाले। उंदा नाम मेरे हे नाम वांगू, उंदा नाम मेरे हे नाम वांगू, बाकिर लकब है मोहम्मद यू रब बनाया। सलामत रावे भाई। बड़ी मेहरबानी जनाब, जनाबे जाबे रखे मौला मेरे वास्ते कोई हुक्म तो सरकार पे फरमाइंदे ने जा देखे जा फिर पंजवा जा देवे उनको मेरे सलामे। मिलके मिलके है दरी फिर पढ़ो भाई जा देखे जा फिर पंजवा आखे चा जा फिर एक मैं नहीं तैरो, आखे चा एक मैं नहीं भेजा पया में रब दीवी तरफों हे सलाम आया। बड़ी मेहरबानी जनाब, जमाने गुजरते रहे तो सरकार बाकिर का दौर आ गया। जिम्मे रसूल हुक्म लिता हाई जनाबे बाकिर पहुंच जनाबे जाबिर पहुंचे मौला दी बारगाह दे विच मंजर रिठा जनाबे जाबिर मुस्करा पाए तो मेरे मौला पूछा कि जाबिर मुस्करा क्यों पे? तो फरमाइंदे पाए नाने दे वांगू तेरी हर अलामत जिवें हाई रिसालत यूं है इमामत।
मिलके मिलके हैदरी फिर पढ़ो भाई नाने देवांगू तेरी हर जीवे हाई रिशालत युवे है इमामत नाने देवांगू तेरी हर इमामत जीवे हाई रिशालत युवे है इमामत रफ्तारे युवे गुफ्तारे युवे रफ्तारे युवे गुफ्तारे नाने दी जाते ठहंदा है बेशक आबिद दा जाया बड़ी मेहरबानी जनाब पैगंबर ने इस्लाम दा प्रचार शुरू किया तैयार हो सो जो इवें समझो भाई जशन में हुण पढ़ना है पैगंबर ने इस्लाम दा प्रचार शुरू किया इस्लाम की तबलीग शुरू की थी चप्पे चप्पे ते मुश्किलात चप्पे चप्पे ते दुश्मन दर्जात बुलंद होवे साईं मंजूर दे वो पढ़ते हैं कि सरकार आदम अलैहिस्सलाम तो गिन के मुहम्मद मुस्तफा तक तुस सारे नबियां की जिंदगी का मुताला करो तो महसूस होता है भाई सारे नबियां नालों सारे नबी दे दुश्मन ढेर हैं अच्छा दुश्मन ही सारे नबी दे ढेर हैं ते आज तक रंग इस्लाम को है क्योंकि बाकी नबियां दी शरीतां मतरूक हुई शरीतां तर्क हुई इस्लाम अज तक कायम है इनकी वजह क्या है एक सुन्नी आलम दीन लिखता है कि वजूहात ढेर सारी हैं लेकिन जड़ियाँ ढाल बनी हैं इस्लाम अज तक कायम इस वास्ते कि सब तो पहले इन भाई सरकार इमरान का खून शामिल है दूजे नंबर पर मलिकतुल अरब सैन की दौलत चुप कर गए हो और तीजे नंबर पर मेरे पीर अली की तलवार ये बेस बनी हैं बुनियाद बनी हैं पीछे इस्लाम फैले दुश्मन रसूल दे ढेर हैं जेडे सामने खड़े हैं अबू सुफियान दुश्मन है सामने खड़े अबू जहल अबू लहब एक ने गल वध गई अबू लहब पैगंबर वास्ते बद्दुआ चकी थी रहमत लिल आलमीन रसूल चुप कर गए एक सजा कह दी है खालिक ते अबू लहब को सजा किवें मिली वो जी बदवाई रसूल वास्ते की है वापस इन्हें अपने उत्ते पलट गई मैं नहीं आता खालिक का कुरान भी याद है कि अबू लहब के दोए हाथ त्रुट गए नाकाम भी होया तो ना मुराद हो गए हलाक हो गया अगर सारा की सलाह हो तो हम मैं इतों अगला कसीदा शुरू कर अर्ज की ते आली शान आली शान आली शान आली शान आली आली शान आली शान आली तशरीया वो है जेड़ी मैं कर गया मैं मिसरे पढ़दा सा जशन सुन आयो तो तुस सुन दे आसो सिस्टम भला कोया उपल दे विच हला कोया जिंदगी दसा खुट गए ते हाथों दे दुहे टुट गए मगर चाचे अबू तालिब दी शफकत बिल खसूस होई मगर चाचे असादे कमली वाले नू यतीमी ना महसूस होई कदई खतरा जे होंदा हा अबू तालिब करेंदा हा कदई खतरा अबू तालिब नबी को चाह उठेंदा हा अली को चाह समझदा हा हैदरी फिर पढ़ना चाहना मगर चाचे अबू तालिब दी शफकत बिल खसूस होई सादे कमली वाले नू यतीमी ना महसूस होई कदई खतरा जे होंदा हा अब
ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਕਰੇਂਦਾ ਹਾ ਕਨੇ ਖਤਰਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਕਰੇਂਦਾ ਨਬੀ ਕੋ ਚਾ ਉਠੈਂਦਾ ਹਾ ਅਲੀ ਕੋ ਚਾ ਸਮੈਂਦਾ ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਤੀਜਾ ਦੇਉ ਨਬੀ ਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਇਮਰਾਨ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਦਰੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯਕ ਜ਼ਬਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਮਲੰਗ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਸ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਜਾ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦ ਜਾਂ ਕਾਫਿਰ ਹਿੰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤਹੀਂ ਬਚਲਦੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦ ਜਾਂ ਕਾਫਿਰ ਹਿੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਇਮਾਮਤ ਰਲ ਕੇ ਪਲਦੀ ਹੈ ਸਲਾਮਤ ਰਾਵੇ ਬਾਈ ਸਲਾਮਤ ਰਾਵੇ ਬਾਈ ਸਲਾਮਤ ਰਾਵੇ ਬਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਦਰੀ ਜੀ ਸਾਈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਨ ਉਹ ਜੈਸੇ ਮਸਾਂ ਆਪ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਪੈ ਕਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਲਵੀ ਐਂ ਪੜ੍ਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜਾ ਵਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਾ ਕਿਆ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦ ਜਾਂ ਕਾਫਿਰ ਹਿੰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਇਮਾਮਤ ਰਲ ਕੇ ਪਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਤੁਮੇ ਸਦਕੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤੁਮੇ ਸਦਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਸੀਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਉ ਦਲੀਲ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਬਾਈ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਣ ਚਾਹੀ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਖੜੋਵੇਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੂਮ ਤੂੰ ਪਲਾਣ ਚਾਹੀ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਖੜੋਵੇਂ ਮੈਂ ਖੂਮ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਾਈ ਦਲੀਲ ਹੱਕ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਣ ਚਾਹੀ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਖੜੋਵੇਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੂਮ ਤੂੰ ਪਲਾਣ ਚਾਹੀ ਆਵਾਂ ਹੁਣ ਈ ਮਜਮੇ ਕੋ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤ੍ਰੀਜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਡਾਂ ਹੈ ਦਰ ਨੂੰ ਖੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਮੌਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤਡਾ ਅਕਮਲ ਤੁਦੀ ਨਾ ਕੁੰਮ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਬਹੁ ਮਖਲੂਕ ਵੀ ਆਹੀ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਵੀ ਆਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਾਓ ਬਾਈ ਹੈਦਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਈ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਾ ਹੈ ਦਰ ਨੂੰ ਖੁਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਮੌਲਾ ਬਹੁ ਮਖਲੂਕ ਵੀ ਆਹੀ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਵੀ ਆਹੀ ਬਹੁ ਮਖਲੂਕ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਇਨ ਨਹੀਂ ਤਦਾ ਦਾ ਵਖ ਵਖ ਲਿਖਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਸੰਵਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੁੰਨੀ 4 ਲੱਖ ਲਿਖਦੇ ਜੀ ਸਾਈਂ
फिर पढ़ी नहीं आए, फिर पढ़ी नहीं आए, इसे गल दाता ही उन नहीं तड़ा दावा कवकली के नहीं, इसे गल दाता ही उन नहीं तड़ा दावा कवकली के नहीं, शियाता सावत ही पहुँचे तो सुन्नी क्या रे लकली के नहीं, शियाता सावत ही पहुँचे तो सुन्नी क्या रे लकली के नहीं, नबी दे गुल साहबी हान ते ताजे ताजे हाजी हान सलामत रहो भाई, बड़ी मेहरबानी साईं जी जी पढ़ते आए हूँ एक पिछे वजन में नाल सलाह करो भाई कसीदा करूं पूरा, बड़ी मेहरबानी जनाब, चूंकि मैं तो सारा दे चेहरे खड़ा दे दा जशन च अक्सर भाई तो खुश बैठे ते कई बड़े हैरान हो कि मैं देते बैठे टाइम कि नहीं यारह ते पहुंच गया है ते ओ दाद जो मिलन लग गई है किनारे लाऊं परेशान नहीं होना ते कश्ती को कह किनारे लाऊं ते बस गल को किनारे फैलेंदे हैं चलो मुकदी मुकेंदे हैं कसीदा होर जेंदे हैं नबी दिया पाक हदीसां चों असां वी इक सुणदे हैं जागे जागे ए अव्वल भी मुहम्मद हैं ते औसत भी मुहम्मद हैं ए अव्वल ते औसत भी ए आखिर भी मुहम्मद हैं ते कुल दे कुल मुहम्मद हैं भाई कामरान भी पहुंच गए ते मैं अगर वो पहले आवे तो इतने छोड़ दे वहां एक शेर सही मंजूर था ठीक है जनाब चंगी गल मननी शरीफां दा असूल है चंगी गल मननी शरीफां दा असूल है चंगी गल मननी शरीफां दा असूल है चंगी गल अच्छा मैं तो नहीं आखे आए आखे रसूले हे जगते हलाल दा सजावण अगर तू भी हैली हैली कर हैली हैली कर जगते हलाल दा अच्छा कर छड़ के अली नू बंदा हो वेंदा है लानती चंगा रस मन ले तू साईं मंजूर दी इज्जत च वक्त निभावण अगर तू भी अली अली कर एक शेर पढ़ूं चा ते गुजारिश की थी शिया कोलू नहीं सुनिया तू मैं सुने आए एक दिन उमर नू पुत्र आके दसिया बाबा मैं कुवैली दे पुत्र ने आखिया बाबा मैं कुवैली दे पुत्र ने आखिया पता ही भी पुत्र तू एक गुलाम दा पता ही भी सुन के गल फौरन उमर हा बोलिया कफन च रखने जाऊ ना तू निखा लिया मारा दुख बारे च जावण अगर तू ही अली अली कर